यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि सफलता के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, तो अधिकतर लोगों का यही जवाब होगा हार्डवर्क। परंतु क्या ये सही बात है? यदि ऐसा होता तो खेतों और फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर और सड़क पर रिक्शा चलाने वाले लोग सफल होते, परंतु ऐसा नहीं है। हार्डवर्क के साथ साथ एक चीज़ की आवश्यकता होती है, वो होती है स्मार्ट वर्क की। हेलो बच्चों, मैं हूँ रमेश निषाद और अभिप्सा एजुकेशन की इस ऑनलाइन क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सीलेंस सीजी बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए एक मिशन लेकर के आया है, जिसका नाम है मिशन 2023, जिसमें इसी स्मार्ट वर्क के बारे में आपको बताया जाएगा, ताकि आप एक टॉपर बनेंगे, ताकि आपका नंबर ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। तो अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सीलेंस आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, इसमें से है PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज एनालिसिस, हर एक चैप्टर का आप विश्लेषण करेंगे, माइंड मैप, इट मीन्स आप जो चैप्टर है उसको आप माइंड में आप रियलाइज करोगे, माइंड में उन चीज़ों को आप समझोगे, समराइज, समरी यानी इट मीन्स आप चैप्टर जो पढ़े हो, जो भी लेसन आप पढ़े हो, उसकी आपके माइंड में एक समरी होनी चाहिए, IMP क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एंड ब्लूप्रिंट वाइज क्वेश्चन इट मीन्स आप जो क्वेश्चंस की तैयारी करेंगे वो ब्लूप्रिंट से रिलेटेड रहेगा, यानी कि आप ब्लूप्रिंट के बेस पे तैयारी करेंगे, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, साथ ही साथ आपके जो नंबर्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि हम 8 से 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटे पढ़ाई तो करते हैं, परंतु ये हमें पता ही नहीं होता है कि हम कैसे तैयारी करें, कैसे पढ़ाई करें, किन किन क्वेश्चंस को हम देखें, ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स आए। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कई बच्चे कई घंटे पढ़ते हैं, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन उनके नंबर्स नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि वो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग पढ़ाई नहीं करते हैं। तो हम जो है आपको ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई कराएंगे। तो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हमने एक मिशन लेकर के आया है, सीजी बोर्ड एग्ज़ाम सीरीज के लिए, जिसमें आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें से आप जो है मिशन 2023 का आप एक पार्ट बनिए, हमारे साथ जुड़िए, अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सीलेंस के साथ जुड़िए, ताकि आने वाले जो एग्ज़ाम्स है उसकी तैयारी हम आपको अच्छे से अच्छे तरीके से कराएं। कक्षा 10वीं के लिए अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सीलेंस 4 सब्जेक्ट्स लेकर के आए हैं, जिसमें से गणित है, विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है एंड अंग्रेजी। ये चारों सब्जेक्ट्स की तैयारी आपको अच्छे से तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है। अब बात आती है कि आपकी जो एग्ज़ाम है वो कब से स्टार्ट होने वाली है। कक्षा 12वीं की हम बात करें तो एक मार्च से स्टार्ट होने वाली है, 10वीं की बात करें तो वो 2 मार्च से स्टार्ट होने वाली है। सो इसके लिए आपको क्या करनी होगी, आपको तैयारी करनी होगी, और अभी से आप तैयार हो जाइए और हमारे साथ, ताकि हम आपके लिए आए हुए हैं एक मिशन लेकर के, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेकर के आए। आज मैं आपको कक्षा 10वीं के सब्जेक्ट इंग्लिश का ब्लूप्रिंट के बारे में आपके साथ चर्चा करने आया हूँ। सो 3 घंटे का आपके पास समय रहेगा और पूर्णांक रहेगा 75 नंबर्स की, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि टाइम इज मनी, टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। सो टाइम का आपको ध्यान रखना है, 3 घंटे का समय रहेगा और 3 घंटे में आपको 75 नंबर्स लेकर के आने ही हैं, और ये मन में आपको विचार लाना है, ताकि आपके 75 में 75 आए, यानी आपका गोल होना चाहिए इसको लाना। तो देख लेते हैं एक बार कि कौन कौन से यूनिट्स हैं, कितने यूनिट्स हैं। टोटल यूनिट की बात करें तो इंग्लिश में 3 यूनिट्स हैं और 75 मार्क्स के आएंगे। तो एक बार देख लेते हैं हमारे ब्लूप्रिंट को, ये हमारा कंप्लीट ब्लूप्रिंट है और इसके अकॉर्डिंग हम पढ़ाई करेंगे। तो ये ब्लूप्रिंट है, जिसमें से कितने कितने नंबर्स के क्या क्या चीज़ें आएंगी, इसको हम एक बार समराइज कर लेते हैं। तो प्रोज की यदि बात करें तो प्रोज से आएंगे 12 नंबर से और 12 नंबर के, जिसमें से 3-3 नंबर के 4 क्वेश्चंस आएंगे। पोइट्री की यदि हम बात करें तो 10 नंबर्स के आएंगे, जिसमें से 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चंस आएंगे। वोकैबुलरी की बात करें तो 5 नंबर के आएंगे, जिसमें से 1-1 नंबर के 5 क्वेश्चंस आएंगे। ग्रामर की यदि हम बात करें तो टोटल 15 नंबर्स के आएंगे। अब ग्रामर में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, ग्रामर में टेंस, वॉइस, नरेशन, आर्टिकल्स, डिटर्मिनेंस, प्रेपोजिशंस, कंजंक्शंस, तो ये सारी चीज़ें आ सकती हैं, जिसके बारे में हम सेपरेट वीडियोज़ में अच्छे से डिस्कस करेंगे, ताकि हमारे 15 में से 15 नंबर आए। और ग्रामर एक ऐसी चीज़ है जिसमें से आप एक कक्षा में तैयारी की, इट मीन्स वो सारे कक्षा में आपके काम आने वाले हैं। तो ये ग्रामर 15 नंबर्स के आएंगे, जिसमें से ये है ये ए सेक्शन, ये बी एंड सी, और एक जो ग्रामर रहेगा वो अलग से रहेगा डूएस डायरेक्टेड करके, वो 5 नंबर के। तो टोटल 15 नंबर के आएंगे ग्रामर, 5 नंबर के वोकैबुलरी। पैसेज फ्रॉम द टेक्स्ट, सीन पैसेज
यानी हमने जो पढ़ाई की हुई है, हमने जो लेशन में देखा हुआ है, तो उन लेशंस में से या पोएट्री हो या प्रोज हो, किसी भी सेक्शन से लिया जा सकता है जिसमें से 5 नंबर के आएंगे। ये आपके लिए पका पकाया खीर है, आपने लेशन पढ़ा है, आप समरी जानते हैं, उसी से रिलेटेड 5 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। यानी आपको पैसेज दिया जाएगा, उस पैसेज को आप नहीं भी पढ़ोगे फिर भी आप उसका आंसर दे सकते हो। राइटिंग नोटिस या नोटिस राइटिंग, आप देखे होंगे आपके स्कूल बोर्ड में नोटिस छपा होता है, जैसे कुछ गेम का नोटिस या फंक्शन या किसी छुट्टी को लेकर के या कुछ भी प्रोग्राम होने वाला रहता है तो एक नोटिस दिया जाता है, तो वही नोटिस आपको लिखना है। यानी आपको क्वेश्चंस दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको नोटिस लिखने होंगे, ये आएंगे 4 नंबर के। अब नोटिस बोर्ड को कैसे लिखे, उसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, कैसे लिखे ताकि 4 के 4 नंबर मिले, तो इसके बारे में हम सेपरेट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो ये रहेगा आपका नोटिस राइटिंग। उसके बाद राइटिंग ईमेल या फिर लेटर या एप्लीकेशन, एप्लीकेशन एक फॉर्मल लेटर ही होता है, तो इसे कैसे लिखे, किस तरह से लिखे ताकि हमें पूरे के पूरे नंबर मिले, तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ये आएंगे 4 नंबर के। और पैराग्राफ राइटिंग एंड समरी राइटिंग। पैराग्राफ राइटिंग क्या होता है, पैराग्राफ राइटिंग इट मीन्स आपको एक टॉपिक दिया जाएगा और उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्लूज दिए जाएंगे, कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको पैराग्राफ लिखने होते हैं, तो ये होता है पैराग्राफ राइटिंग। यदि हम बात करें समरी राइटिंग की, तो समरी राइटिंग को आप इस तरह से समझ सकते हैं, इट मीन्स जैसा कि आपने 2-3 घंटे की मूवी देखी, मूवी देखने के बाद यदि मैं आपसे पूछता हूँ कि मूवी में क्या क्या हुआ, तब आप क्या बताएंगे, आप 2 घंटे तक मुझे बताएंगे नहीं बताएंगे, आप क्या करेंगे, आप मुझे बिठाएंगे, आप बोलेंगे 5 मिनट में 6 मिनट में आप पूरा कंप्लीट स्टोरी, 2-3 घंटे की स्टोरी आप बता देंगे कि ये हीरो थे, ये हीरो था, ये हीरोइन थी, ये विलन था, इस तरह से आप बता देंगे। तो ये होता है समरी राइटिंग, इट मीन्स आपको समरी दिया जाएगा और उसमें से आपको इंपॉर्टेंट चीज़ों को आपको लिखनी होती है, इट मीन्स आपको समराइज करना होता है, बड़ी स्टोरी को छोटे रूप में दिखाना, तो ये होता है समरी राइटिंग, ये 4 नंबर के आएंगे। अनसीन पैसेज क्या होता है, अनसीन पैसेज इट मीन्स अपठित गद्यांश, यानी आपने पढ़ा नहीं है, इट मीन्स कहीं से भी आपको दिया जा सकता है 200, 250, 300 वर्ड्स के, और उसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस दिए रहते हैं 8 नंबर के। अब उन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको देने होते हैं पैसेज के अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग नहीं, पैसेज के अकॉर्डिंग, तो ये होता है अनसीन पैसेज। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हम कितने समय में अनसीन पैसेज के आंसर्स देते हैं, क्योंकि टाइम इज मनी, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि टाइम बहुत ज़रूरी होता है, और इसके लिए आपको क्या करना है कि कैसे और किस तरह से अनसीन पैसेज के आंसर्स हमें देने हैं, किस तरह से देने हैं, कैसे देने हैं, ये इसके बारे में हम सेपरेट वीडियोस में डिस्कस करेंगे ताकि हमारे 8 के 8 नंबर मिले, ठीक है। ऐसे राइटिंग की बात करें तो ऐसे ये भी 8 नंबर के आने वाले हैं, ऐसे राइटिंग जो हर साल रिपीट होते रहते हैं, कुछ ऐसेज ऐसे हैं जो हर साल रिपीट होते रहते हैं, उनमें से हमें 2-3 ऐसेज अच्छे से तैयार कर लेने हैं ताकि पूरे के पूरे नंबर मिले। ऐसे को कैसे लिखे, किस फॉर्मेट में लिखे, पैराग्राफ कैसे चेंज करें, किस तरह से लिखे, इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। और ऐसेज कुछ ऐसेज ऐसे होते हैं जो हर साल आते रहते हैं, जैसे क्लीन इंडिया मिशन हो गया, वंडर्स ऑफ साइंस है, माई हॉबी, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम, इस तरह से कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कुछ एसेज हैं जो आते रहते हैं, तो इस तरह से हमें तैयारी करनी है इसके लिए। अब टोटल नंबर की बात करें तो 75 नंबर्स के आएंगे, और इसके लिए हमें क्या करनी है, तैयारी करनी है, अच्छे से प्रिपेयर होना है। और इसलिए आप जो है हमारे साथ जुड़िए अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सीलेंस के लिए, और ताकि अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सीलेंस आपको ढेर सारी चीज़ें प्रोवाइड करेगी, जैसे PDF, पाठ्य सामग्री हो गया, माइंड मैप है, वैकल्पिक अभ्यास प्रश्न, व्याख्यात्मक अभ्यास प्रश्न, व्यक्तिगत मार्गदर्शन, संघ का समाधान हेतु सीधे लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड की जाएगी, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स लेकर के आए, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। ये जो चीज़ें हैं ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए हैं, ठीक है, तो इसके लिए आप जो है हमारे साथ जुड़िए। अब अपने मन में एक विज़न लाइए, वाई मुझे टॉपर क्यों बनना है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स लेकर के क्यों आने हैं, अपने मन में एक विज़न डालिए, ताकि आप पढ़ाई के लिए आप तत्पर होंगे, पढ़ाई के लिए आप में उत्सुकता आएगी, तभी तो आप पढ़ाई करेंगे, अदरवाइज क्या आप पढ़ाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो अपने मन में विज़न लाइए, कोई अपने मन में विज़न लाइए कि मैं अपने परिवार वालों का, अपने घर वालों का नाम रोशन करना चाहता हूँ, मैं अपने स्कूल का नाम रोशन करना चाहता हूँ, मैं अपने गाँव का नाम रोशन करना चाहता हूँ, मैं अपने शहर का नाम रोशन करना चाहता हूँ, मैं अपने राज्य का नाम रोशन करना चाहता हूँ, मैं अपने देश का नाम रोशन करना चाहता हूँ, इस तरह का आप विज़न लाइए अपने मन में, अपने मन में एक कॉम्पिटिशन की भावना लाइए कि हाँ मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ। ये आपके मन में विचार आ गया ना, तब आप पढ़ाई करने के लिए आप तत्पर हो जाएंगे, आपका जो माइंड है, आपका जो शरीर है, वो तैयार हो जाएंगे कि आप पढ़ाई करेंगे ही, इट मीन्स पढ़ाई करनी है, इट मीन्स करनी ही है,
ये माइंड आ जाएगा तो ये आप क्यों का आंसर यदि आपके पास है, इट मीन्स आप पढ़ाई के लिए तत्पर हो गए हैं। अब बात आती है कैसे, इट मीन्स ये आपके मन में कैसे का सवाल आ जाएगा, आपके मन में जब विजन आ जाएगा कि मैं उस विजन को कैसे प्राप्त करूं, मैं सफलता कैसे हासिल करूं, ये विजन आपके मन में आ गया, फिर आप इस कैसे का आंसर पाएंगे अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सीलेंस के साथ। क्योंकि अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सीलेंस आपके लिए लाया है कंप्लीट कोर्स जिसमें आप 9वीं से लेकर के 12वीं तक के सारे सब्जेक्ट्स के सारी चीज़ें स्टडी मटेरियल्स प्राप्त कर सकते हैं। और अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सीलेंस से जुड़ने के लिए आप वेबसाइट पे www.abhipsa.in पे विजिट भी कर सकते हैं। आप सीधे ऐप को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए आप कॉल भी कर सकते हैं। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे जो YouTube चैनल है इसको सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। मैं मिलूँगा एक इंटरेस्टिंग लेसन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।